और पेपर भी हार्ड आया था, तो इस हिसाब से कट ऑफ तो बहुत कम जानी चाहिए। उपस्थिति बिल्कुल कम थी, जैसे मेरे कमरे में 24 बंदे थे लेकिन 24 में से 9 ही उपस्थित थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज तारीख हो गई है 17 मई 2024, और आज आपको पता ही है मेरी है एग्ज़ाम, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। और अब जल्दी से होते हैं तैयार, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और आपको प्रवेश पत्र दिखाता हूँ। ये देखो, 17 मई को है, 9 बजे से है, और है अपनी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गणगौरी बाजार जयपुर। और 60 मिनट पहले पहुंचना है, 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू है और 8 बजे 1 घंटे पहले एंट्री है। तो 8 बजे का मतलब मैं 6:30 डेढ़ घंटे पहले तो निकलूँगा भाई यहाँ से। और ये हाफ स्लीव शर्ट पहन ली है, ड्रेस कोड और बेल्ट भी नहीं लगाया है, और स्लीपर है देख लो, सैंडल ही पहनी है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ड्रेस कोड है। छाछा रोड़ी पी लेते हैं, ये नाश्ता है भाई गांव में तो। और वहाँ एग्ज़ाम 5:30 बजे तक है, सुबह 9 बजे से 8 बजे बाद में एंट्री नहीं है। थोड़ा सा छाछा रबड़ी पी लेते हैं फिर चलते हैं जल्दी से। शानदार ज़बरदस्त छाछा रबड़ी। हेलो दोस्तों, तो मैं हो गया हूँ घर से रवाना, और अभी बज गई है 6:30, और एग्ज़ाम तो 9 बजे से है लेकिन 1 घंटे पहले एंट्री है, 8 बजे तक पहुँच रहा है, मतलब 1.5 घंटा है। तो मैं 1.5 घंटे में पहुँच रहा है, जल्दी से चलते हैं, कहीं लेट नहीं हो जाए। और मेरा सेंटर है गणगौरी बाजार जयपुर। चलो चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं आपसे सीधे एग्ज़ाम सेंटर पर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चोमू पुलिया पहुंच चुका हूं जयपुर में, और अब चांदपोल, फिर छोटी चौपड़, फिर गणगौरी बाजार। अब ये पुलिया क्या है कि नहीं बना दी है लता सर्किल जोटवाड़ा से यहाँ चोमू पुलिया आगे तक। तो इस पहले इसी मतलब इस ये जो दूरी थी ना लता सर्किल जोटवाड़ा से ये चोमू पुलिया तक की, मतलब इसी में लग जाता था लगभग आधा घंटा दो, और अब मात्र 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में। तो ये बहुत ही बेस्ट चालू हो गई है, मैं तो पहली बार आया हूँ, चालू हो गई होगी तो ये मतलब डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा। चलते हैं जल्दी से, कहीं लेट नहीं हो जाए, अभी टाइम हुआ है 7:05। तो भैया चांदपोल पहुँच चुका हूँ, और अपने भाई साहब भी मिल चुके हैं यहाँ पर, बब भाई साहब, और अभी चलते हैं एग्ज़ाम देने। दोस्तों फाइनल गणगौरी बाजार पहुंच चुका हूं, लगभग 7:15 बज गई, 8 बजे तक एंट्री, आराम से पहुंच गया। और ये है मेन गेट स्कूल का, और सबसे पहला काम होता है सेंटर पर पहुंचते ही आपको अपने रोल नंबर चेक करना या सेंटर का कोड चेक करना। करते हैं चेक, देखे सेंटर का। रूम नंबर 46। अब अपना सामान, मोबाइल जो भी है ना, मोबाइल वगैरह कड़ा तो मैं पहले ही खोल के आ गया था, देखो घर पे ही खोल के आ गया था मैं, शायद इसको भी खुलवा लेंगे अब। तो अब मोबाइल और पर्स वगैरह करवाते हैं जमा, और फिर चलते हैं। ये कर रहे हैं यहाँ पे जमा, 10 रुपये लेते हैं शायद, फिर चलते हैं सीधे अंदर स्कूल के। तो दोस्तों फर्स्ट पेपर तो हो गया है, और अब सुबह में तो खाना भी नहीं खा के आया था, अब देखता हूँ यहाँ पर कोई आसपास में ढाबा है तो।
और ये पेपर था मतलब हिस्ट्री का था आज कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एक फर्स्ट पेपर तो हो गया था, फिर इसके बाद में ये सेकंड पेपर था। सेकंड पेपर में भी अभी दो पारियों में है पेपर, तीन तीन घंटे के। अभी ये 9 से 12 हुआ है, फिर अभी 2:30 से 5:30 होगा। बीच में थोड़ा सा ये इंटरवल हुआ है 2.5 घंटे का, लेकिन 1.5 घंटे का ही मानो, क्योंकि इसमें क्या है कि 1 घंटे पहले एंट्री है ना। अब 1.5 घंटे में आस पास में देखता हूँ, देखिए कोई ढाबा वगैरह मिल जाए। तो भाई खाना खा लिया है, ये लोकल ही ढाबा था यहाँ पर छोटा सा, और 100 रुपये लिए इस खाने के। एक छाछ का गिलास और था, 100 रुपये लिए हैं। और अब चलते हैं वापस परीक्षा सेंटर पर। लो भाई मोबाइल वापस जमा करवाते हैं और अब चलते हैं, 1:30 बजने वाली है, फिर से 20 रुपये देने हैं। तो दोस्तों फाइनली एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट, और अभी 6 बजने वाले हैं लगभग। पर 5:30 तक का टाइम था, 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं वो 5वां ऑप्शन करने के लिए। और अभी बहुत परेशान हो गए, लेकिन आज तो सारे दिन भर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि लगातार लगभग बीच में 1 घंटे का ही गैप मिला और 4-4 घंटे की शूटिंग हो गई लगातार। और पेपर की बात करूं तो पेपर भी इस तरीके पेपर था, ऐसे इजी पेपर नहीं था। और उपस्थिति बिल्कुल कम थी, जैसे मेरे कमरे में 24 बंदे थे, लेकिन 24 में से 9 ही उपस्थित थे। तो अब देख लो आप कितनी उपस्थिति थी, 50% से बिल्कुल कम उपस्थिति थी। तो और पेपर भी हार्ड आया था, तो इस हिसाब से कट ऑफ तो बहुत कम जानी चाहिए। चलो अब चलते हैं घर पे। भाई वो कांटा चौराहा पहुंच चुका हूँ जोटवाड़ा, और यहाँ पे है रामचंद्र कुल्फिया जूस सेंटर। गील का जूस पी लेते हैं थोड़ा। बादाम से एक यहीं खड़े रहते हैं ये, हाँ तो उससे आगे। बढ़िया देते हैं लेकिन शानदार। क्या करूँ, कैरी की सब्जी है क्या आज? हाँ। हाँ भाई गोलू कैसी है सब्जी? बढ़िया। हाँ बढ़िया। आज दिन में उड़ा पेपर का है ना, उससे तो लाख गुना बढ़िया है। लाख गुना। चलो ओके फ्रेंड्स, बहुत परेशान हो गया आज तो, आज का व्लॉग करते हैं पे दिए। बाय बाय। लाइक करते जाना और सब्सक्राइब। हाँ।